फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं खांडवी की रेसिपी। खांडवी गुजरात और महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है। इसको ब्रेकफास्ट में या शाम के समय हल्की भूख में खाया जा सकता है। ये बहुत कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खांडवी बनाने के लिए मैंने मिक्सर के एक जार में ले लिया है 1 कप बेसन, और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप छाछ। अगर आपके पास दही है तो आप दही ऐड कर सकते हैं। अगर 1 कप बेसन लेंगे तो उसके लिए 1 कप दही चाहिए, और अगर दही नहीं डालेंगे छाछ डालेंगे तो 2 कप छाछ डालनी पड़ेगी, यानी कि जितना बेसन उतना ही दही चाहिए या उससे डबल छाछ। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे अदरक क्रश किया हुआ या फिर अदरक का पेस्ट। इन सभी चीज़ों को हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं मिक्स करने के लिए। और अभी हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और अभी इस मिक्सचर को मैंने डाल दिया है 1 कढ़ाई में, और गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता है। इसको पकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए 5 मिनट्स में ये इतना थिक हो गया है। अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो खांडवी बनने के लिए बेसन बिल्कुल तैयार है। अभी हम लेंगे 1 बड़ी थाली, तो या तो हम उस पर इसको फैलाएंगे या फिर हम प्लेटफॉर्म पे भी इसको फैला सकते हैं। तो 1 थाली पर ये नहीं आएंगे, तो हमको 3 से 4 थालियाँ लगेंगी। मेरी थाली थोड़ी बड़ी साइज़ की है तो उसमें 3 थालियों में ही काम हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे फैला देंगे स्पून से मिक्सचर को, और फिर ऐसे स्पैचुला की हेल्प से पूरी थाली पर इसको पतला पतला फैला देंगे। थाली को हमको ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर हम थाली ग्रीस कर देंगे तो ये अच्छे से फैल नहीं पाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फैला दें। इस मिक्सचर को थाली के पीछे की तरफ फैलाना है। तो ये देखिए पूरी थाली पर फैला दिया मैंने इसको पतला पतला, और अब हम दूसरी थाली पर डाल देते हैं मिक्सचर को, और उसको भी सेम ऐसे ही फैला देंगे। तो इतना मिक्सचर हमारी 4 थालियों पर आ गया है। मिक्सचर को आप बीच बीच में ढकते जाएं निकालने के बाद, नहीं तो ये सूख जाएगा तो ठीक से फैल नहीं पाएगा। और 5 से 6 मिनट बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे, थोड़ी सी चौड़ी, लगभग 2 से 2.5 इंच के बराबर, और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फोल्ड हो रही है, बहुत अच्छे से बन गई है खांडवी, कितने अच्छे से सेट हो गई है। बहुत इजी है इसको बनाना, बहुत जल्दी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए आप देख ही रहे होंगे कितनी सॉफ्ट दिख रही है वो। इस तरह से प्लेट में रखते जाइए। और इसी तरह से हम सारी खांडवी बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। और अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो तड़के के लिए मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, थोड़ी सी करी पत्ते यानी कि मीठी नीम की पत्तियाँ, और 4 से 5 हरी मिर्च स्लाइस की हुई। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक भी काट सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डाल देते हैं पैन में, और जब ये स्प्लटर हो जाएंगी फिर ये तड़का उठाकर हम खांडवी के ऊपर डाल देंगे। तड़का डालने के बाद अगर आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट डाल सकते हैं इसके ऊपर, इससे इसका लुक्स और टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर दिखने वाली बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार है। मैंने इसको टेस्ट किया, ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको आज की रेसिपी आए पसंद तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड एन्जॉय।